इसी का खून हुआ है। फोन किसने किया था? साहब मैंने फोन किया था। क्या देखा तुमने यहाँ पर? साहब मैंने देखा कि वो लड़की बेताशा उस शख्स की। इसका मतलब है खून तुम्हारे सामने हुआ? सब मेरे ही सामने नहीं, इन सबके सामने हुई है, सब थे वहाँ पे। हाँ साहब, और साहब न जाने क्या नफरत थी उस लड़की के दिल में, इंसान मर चुका है। शायद इस लड़की को उस आदमी से काफी नफरत हुई होगी, इस आदमी ने कुछ उसके साथ जरूर बुरा बर्ताव किया है। वैसे भी उस लड़की का एक हाथ नहीं है, शायद यही वजह होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस लड़की के पास चाकू कहाँ से आया? सर शायद उस लड़की ने प्लान करके ये मर्डर किया है, चाकू अपने साथ में ही लाई होगी, वरना ऐसी सुमसान सड़क पर उसे चाकू कहाँ मिलता? अगर वो चाकू अपने साथ लाती तो हो सकता है वो आदमी चौकन्ना हो जाता, वो मर्डर कर ही नहीं पाती। आसपास की दुकानों में देखो, किसी सब्जी वाले या फ्रूट वाले का चाकू उठाया होगा उसने। ओके सर। इंस्पेक्टर, आपको पूरा यकीन है कि मर्डर इसने किया है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये देखिए लड़की की फाइल, ये कुछ 19 साल की होगी और उसकी बॉडी पे इतने सारे मार्क और निशान हैं कि मुझे लगता है ये खुद एक विक्टिम है। मतलब कुछ निशान ऐसे हैं, लगभग 10 साल पुराने हैं, छोटी उम्र में किसी ने उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट किया है। ये लड़की अपंग है पर जन्म से नहीं, इसका एक हाथ बाद में काटा गया है। और मारने और पीटने और जलाने के एक नहीं, काफी निशान है। लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? नहीं, पर हाँ लड़की वर्जिन नहीं है। कौन हो तुम, कहां से आई हो, जिस आदमी को तुमने मारा वो कौन था और क्यों मारा तुमने उसे? देखो चुप रहने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम समझती हो कि चुप रहने से तुम बच जाओगी तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए सब सच बताओ, हो सकता है हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। क्यों मारा तुमने उस आदमी को, बोलो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मोरे पीएम रिपोर्ट के हिसाब से ये आदमी नेत्रहीन है, वो भी जन्म से। सर जो आदमी देख नहीं सकता उसे बचना छुपना बहुत आसान होता है, फिर एक नेत्रहीन आदमी इस लड़की को इतना टॉर्चर कैसे करेगा कि वो लड़की गुस्से में आकर उसे मार दे? इस केस के और भी कई पहलू हैं। एक कत्ल दिन दहाड़े हुआ था जिसकी सूरत और संबंध पुलिस चाहकर भी कल्पना नहीं कर पा रही थी, और मारने वाला खुद अपने शरीर पर सूख चुके घाव लिए हुए था। अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि ये लड़की कातिल है या खुद किसी गुनाह का शिकार, लेकिन कत्ल तो हुआ था और इसके चश्मदीद गवाह भी थे। कौन थे ये दोनों, क्या वास्ता था इनका एक दूसरे से, क्या कारण था लड़की की उस बेहद नफरत का? ये राज सिर्फ यहीं तक सीमित थे या फिर कहानी कुछ और भी थी? मोरे इस केस को सॉल्व करने के लिए उस लड़की और उस आदमी का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। मर्डर वेपन के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हमने आसपास की सारी दुकानों पर इंक्वायरी की लेकिन वो चाकू किसी का नहीं है। उस लड़की के पहनावे को देख के लगता है कि वो तो यहीं की है, लेकिन वो आदमी जिसका खून हुआ है लगता है वो दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए किसी और शहर से खास आया था। अगर ये दोनों अलग अलग शहर के हैं तो इन दोनों के बीच में लिंक कैसे हो सकता है? मोरे इस लड़की का बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है, जितना जल्द हो सके इस लड़की और उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ओके सर। इसे पहचानते हो? नहीं सर। और इसे? हाँ सर, इसको तो जानता हूँ, अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, हर साल यहाँ दरगाह पे आते हैं और फिर दिल खोलकर गरीबों को ज़कात देते हैं। कहाँ से आते हैं कुछ पता? ये तो नहीं मालूम, बस इतना कह सकता हूँ कि बड़े दीन ईमान वाले हैं। बाकी तो साहब ये दरगाह है, यहाँ जो भी आते हैं सब अल्लाह के बंदे हैं, अब किसका घर और किसकी जात पूछेंगे। सर हो सकता है कि यह आदमी शहर में कहीं बाहर से आया हो और अपनी प्राइवेट कार से आया हो। मोरे टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और सारे पुलिस स्टेशन में पता करो कोई मिसिंग अपडेट दर्ज है क्या। ओके सर।
चल खाना खा ले और बाद में ये कपड़े बदली कर लेना। अबिदा, उस्मान, बाहर आओ। कहाँ हो तुम दोनों के दोनों? बाहर आओ। अबिदा, उस्मान, अबिदा, उस्मान, कहाँ मर गए दोनों के दोनों? बाहर चले आओ। अम्मी क्या हुआ और आप इतनी घबराई हुई क्यों? अरे किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। कोई नामुराद मेरी जान लेना चाहता है और तुम दोनों घर में बैठे आराम फरमा रहे हो। क्या? और आपको कौन मारना चाहेगा और क्यों? मुझे तो मेरे अपने ही मारना चाहते हैं। लेकिन मैं भी ऐसी सख्त जान हूं ना, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं। अब देखना कैसा तमाशा दिखाती हूं मैं। चल सर, हमने टोल नाके पर भी पूछताछ की लेकिन इस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है जिसे हम इस आदमी के साथ जोड़कर देख सके। इस आदमी की फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दो, हो सकता है कोई पहचानने वाला मिले। ठीक है सर। हेलो, हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। सर हमारा एक खबरी है, पान वाला। हाँ साहब, ये लड़की देखा है मैं, यहाँ से दो गली आगे चकले पे देखा था उसे। वो क्या है साहब कि मैं भी कभी कभार वहाँ जाता है ना, इसलिए मैं सोच रहा था इसे कहीं ना कहीं तो देखा है साहब, पर मुझे अब भी जाके याद आया। तू भी उसका ग्राहक था क्या? अरे नहीं नहीं साहब, अरे वो कहाँ इस काम के लायक है। अरे वो तो बर्तन भांडी माँजती है वहाँ पे सर, और कपड़े भी साफ करती है। अरे आज सूरज किधर से निकला? नहीं आपका दर्शन हुआ, मैं इसे पहचानती हो? बोला ना नहीं पहचानती, इधर की होती तो पहचानती। देख झूठ मत बोल, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये लड़की तुम्हारे यहाँ कपड़ा और बर्तन मांजने का काम करती है। क्या साहब, अब कपड़ा और बर्तन मांजने वाली का मैं हिसाब रखूंगी। शायद लड़की को करीब से देखने के बाद सब हिसाब याद आ जाएगा। पटेल मैडम। यस सर। गाड़ी टकाईला। चल चल। अरे ए ए काय कर, ए चल चल। अरे छोड़ ना। अरे क्या करती है? मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, देखो याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है? हाँ, हाँ। कोई बर्तन मारने वाली लड़की का मेरे पास क्या काम है? मुझे लड़की चाहिए लेकिन। बिल्कुल चुप, लड़की को लेकर आओ। यस सर। ए साहब ने बुलाया है तुझको, ए चल उठ चल। ए सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चल साहब ने बुलाया है तुझको। पाटिल हिला उठवा, चल साहब ने बुलाया, चल चल चल। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, कहीं नहीं जाना, नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, कहीं नहीं जाना, नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना। राजा साहब कौन है? राजा साहब पता नहीं सर, लेकिन वो लड़की राजा साहब के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम जानती हो राजा साहब कौन है? राजा साहब मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो, कोई कस्टमर है तुम्हारा? अरे साहब हमारे यहाँ आने वाले कस्टमर खुद को राजा ही समझते हैं और दो घोट अंदर गई ना तो राजा साहब बन जाते हैं। तो तुम नहीं जानती? नहीं। जाओ, अगली बार मुझे तमाशा नहीं चाहिए।
मोरे, इस लड़की का और राजा साहब का क्या कनेक्शन है? कौन होगा ये राजा साहब? जिससे लड़की होश में आने के बाद भी इतना डर रही है। सर, मुझे लगता है इस लड़की ने जिस आदमी का खून किया है वही राजा साहब हो। लेकिन चेक करना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड शाही है भी या नहीं, और मोरे ये भी पता लगाओ कि इस एरिया में कोई ऐसा आदमी है क्या जिसे लोग राजा साहब कहते हैं। ओके सर। तो आप हैं राजा साहब? इंस्पेक्टर साहब, राजा तो मेरे पूर्वज हुआ करते थे। यहाँ पर उन्हीं का राज्य था, फिर देश आजाद हुआ और हमसे हमारा राजपाट छीन लिया गया और राजा और रंग सब एक हो गए। ये तो जनता है जो आज भी हमें इज्जत से और प्यार से राजा साहब बुलाती है। कुछ लोग डर से भी आपको राजा साहब बुलाते होंगे। इस लड़की को जानते हैं आप? कौन है ये लड़की और आप इसके बारे में मुझसे क्या जानना चाहते हैं? ये लड़की भी आपकी भोली प्रजा की तरह है, रात दिन डर से कांपती हुई बस आपका ही नाम जपती है। हो ही नहीं सकता, मैं अभी एक साल पहले यहाँ इंडिया में शिफ्ट हुआ हूँ, वो भी अपने पिताजी के देहांत के बाद। पिछले 15 साल से मैं US में था। यू कैन चेक माई रिकॉर्ड, मैं इस लड़की को नहीं जानता। सर, ये राजा सच बोल रहा है, हमने उसकी इंक्वायरी निकाली, वो सचमुच एक साल पहले ही वापस आया है और उसके पास्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इस लड़की के साथ उसका कुछ कनेक्शन है। मुरे, हम फिर से वहीं आगे खड़े हो गए जहां से हम चले थे कि कौन हो सकता है ये राजा साहब? डर गई थी पता है? दादी दादू होने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? तुम्हारे दादू हर साल की तरह दरगाह पर गए हैं, कुछ दिनों के लिए वहीं पे रुकेंगे हमेशा की तरह 8 दिन तक, उसके बाद वो सीधा यहीं पे आएंगे। मैंने उनसे कहा है आते वक्त वो तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाने वाले हैं। वो 8 दिन के बाद आएंगे? ये क्या बात हुई, ये तो तुम्हारी दादी के साथ नाइंसाफी है। दादू नहीं आए इसलिए बड़ा दुख हो रहा है। दादी से प्यार ही नहीं करते हो? करता हूँ ना, दोनों से प्यार करता हूँ। मेरा बेटा, क्या कहा डॉक्टर? सर, डॉक्टर ने कहा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा हुआ है इसकी जिंदगी में जिसका असर आज तक इसके दिमाग में है। पर ये राजा साहब नाम का आदमी है भी या नहीं ये कहना मुश्किल है, और अगर है तो इसका और उसका क्या रिलेशन है ये पता लगाना होगा। ठीक है, ले जाओ इसको। क्या हुआ अम्मी? वो यहाँ पे कोई है,
कोई है यहाँ पे, मुझे मारना चाहता है, और उसके हाथ में ऐसा ही हथौड़ा था ना, ना, अरे वहम है आपका, मैं तो कबर्ड रिपेयर कर रहा था इसीलिए हथौड़ा हाथ में लिया था। हम ये आप दिन में भी सपने देखने लगी है, इतने भी वहम मत पालिए कि लोग। तुम लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, वो ही मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम लोग तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों जानबूझकर नासमझ बन रहे हो। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों ही मुझे मारने की कोशिशें कर रहे हो। क्या रे, इधर मरवाने के लिए लाया क्या? अरे वो लड़की जिए या मरे तेरे को क्या, चल यहां से। बेटी है वो मेरी, उसके साथ ऐसा बुरा होते हुए कैसे देख सकता हूँ मैं? मैं उसको अपने साथ लेकर जाएगा, तेरे को जाना है जा तू। दादी कब खत्म होंगे आदिन, दादू कब आएंगे? थोड़ी देर बैठ ले मेरे साथ, तेरे दादू आएंगे ना तब तू पलट के देखने वाला भी नहीं है मेरी तरफ। अम्मी दूध। सिर्फ दूध ही है ना? क्या मतलब, और क्या हो सकता है? ले बेटा दूध पी ले, दूध पीने से ताकत आ जाती है। हाँ कुछ हो रहा है? अम्मी, अम्मी अब्बू का 3 दिन से फोन नहीं लग रहा है, आपकी कुछ बात हुई क्या? कहाँ कोई बात हो पा रही है, मुझे भी तो उनकी काफी फिक्र हो रही है। अम्मी अभी फिक्र करने का वक्त नहीं है, हमें पुलिस के पास जाना होगा, कोई आम बात नहीं है। नूर, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी अब्बू है, इतने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फिक्र करने के अलावा कुछ कर रहे हैं? सिर्फ बैठ के इंतजार करो, जबान को लगाम दो नूर। हो सकता है बैटरी खत्म हुई हो या मोबाइल में कोई खराबी आई हो। माना कि आप सही सोच रहे हैं, पर भाई अब्बू इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि वो पीसीओ से एक फोन करके अपने घर की भी खैर खबर ना पूछे। अम्मी हमें तो डर लग रहा है कहीं अब्बू के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, पता नहीं आप लोग इतने सुकून से कैसे बैठे हैं। अब बस करो नूर। अरे बस करो भाई, अब्बू की फिक्र में तुम दोनों तो लड़े ही जा रहे हो, बस ये नहीं कि पुलिस स्टेशन जाके उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए। हेलो, हाँ हम हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, बॉडी तो नहीं है लेकिन उसके कपड़े हम फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं। सर उस डेड बॉडी की पहचान हो गई है, उस आदमी का नाम रहमत खान है, पाली का रहने वाला है, उसकी फैमिली पाली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गई थी, जहां हमने फोटो भेजी थी उसी से उन्होंने पहचान लिया। कल रहमत खान की फैमिली उसके कपड़े क्लेम करने के लिए आ रही है, तब तक मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके सर। किसने मारा इंस्पेक्टर साहब इन्हें? कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब? या अल्लाह संभालो अपने आप को। देखिए मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जरूरी हैं पूछने होंगे। किसी से कोई दुश्मनी थी उनकी? कैसी दुश्मनी साहब? उन्होंने तो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। खुदा का नेक बंदा था मेरा शौहर। मेरे साथ चलिए, किसी से मिलवाना आपको। आप लोग जानते हैं इसे? नहीं साहब, इसे तो हमने पहले कभी देखा भी नहीं। नहीं साहब, हम नहीं जानते इसे, ये कौन है? कौन है ये लड़की? सुनो, इन्हें जानते हो तुम?
अहमद की शिनाख्त ने पुलिस को एक सुकून की सांस दी। ऐसा लग रहा था कि अब लड़की की पहचान आसान होगी, लेकिन ना लड़की और ना ही रहमत के परिवार ने एक दूसरे को पहचाना, जिसने ना सिर्फ पुलिस की उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि उन्हें फिर से शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। अभी सिर्फ मरने वाले की पहचान हुई थी, मौत का कारण और मारने वाली लड़की की पहचान अभी बाकी थी। दूसरी तरफ एक आदमी लगातार पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घूम रहा था, जो ज्यादा दिन तक पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया और गिरफ्त में आ गया। कौन था यह आदमी? साहब, साहब मेरा नाम ताते है, मैं भिखारी है साहब। वो लड़की एक साल पहले मेरे को अपने नाके के सिग्नल पर बैठी हुई मिली थी। वो डरी भी और सहमी भी थी, और ऐसी जवान लड़की अगर रस्ते में बैठी मिलेगी तो किसकी भी बुरी नज़र गिरेगी ना। तो मैं ही उसको बोला था, अगर ये सब बुरी नज़र से बचने का है तो तेरे को बदसूरत होना पड़ेगा। फिर उससे मेरी बात मान ली साहब। साहब मैंने तो सिर्फ उसके भले के लिए उसका हाथ काटा। एक लड़की को अपाहिज बनाया अपना भीख का धंधा बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे मान बनने का नाटक कर रहा है? नहीं नहीं साहब, मैंने कभी उससे भीख नहीं मंगवाया साहब। वो बच्ची थी मेरी, बाप जैसा प्यार दिया मैंने, वो भी मेरे को बहुत चाहती थी साहब, पर एक दिन किधर गई मालूम नहीं साहब, खुश थी मेरे साथ में। तू सच बोल रहा है, ये हम क्यों मान ले? गणपति पापा की शपथ साहब, मैं सच बोल रहा है। एक साल तेरे साथ थी ना, कभी बताया कौन है, कहाँ से आई है? उसका नाम मंजीरी है साहब, बस यही बोला, बाकी कुछ भी नहीं बोला साहब। वो एक साल से तेरे साथ है और तुझे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ नाम बताया? हाँ साहब, बस उतना ही बोला। मेरे को लगता है साहब, वो मेरे एरिया में जो जवान लड़की लोग का चकला है ना, वो वहाँ से आई होगी साहब। हमने वहाँ पूछताछ की, वो वहाँ से नहीं है। वो काय को सच बोलेंगे साहब, इधर की चाहे करके उनको पुलिस का लपड़ा थोड़ी ही मंगता है। वो डरी भी और सहमी भी थी, आदमी का हाथ लगते ही वो चीखती थी, और सब नींद में भी वो राजा साहब करके चिल्लाती थी। मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा। मेरे को तो वो उधर किस लगती है। मुरे, उस लड़की और दातिया का रिश्ता बाप बेटी का था ये तो साबित हो गया, लेकिन उसकी बॉडी पे जो जलने और चोट के निशान है वो उस राजा साहब की देन। तुमने रहमत खान के बारे में पता किया? कहीं उससे तो कोई राजा साहब कह के नहीं बुलाता? सर मैंने पूछताछ की, लेकिन रहमत खान और राजा साहब के बीच में कोई लिंक नहीं है। एक काम करो, इस लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ, हो सकता है कोई उसे पहचान ले। और इस रहमत की फैमिली के बारे में भी जरा पता करो, रहमत की मौत से उनको सदमा पहुंचा भी है या कोई नौटंकी कर रहे हैं? सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त रहमत खान की मौत हुई उस वक्त उसके घर वालों का मोबाइल लोकेशन घर का ही दिखाई दे रहा है। मतलब हम घूम फिर के वहीं आ गए। मेरे एरिया में जो जवान लड़की लोग का चकला है ना, वो वहाँ से आई होगी साहब। सर तात्या ने कहा था कि वो लड़की चकले से आई थी, मुझे लगता है हमें उस चकले की मालकिन को उठाना चाहिए और अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। मुझे इस बार चकले की मालकिन को नहीं, वहाँ की लड़कियों को उठाओ, वही हमें बताएंगी कि मंजरी वहाँ थी या नहीं। नहीं साहब, हम लोग कुछ नहीं जानते इस लड़की के बारे में। सच बोल। थी साहब, वो भी हम सबके साथ उधर ही थी, फिर वो कुछ दिन बाद भाग गई, और जब मिली तो उसका एक हाथ भी कटा था साहब। आंटी के इसके भागने से बहुत हट गई थी साहब, वो उसको और दूसरी लड़कियों को सबक सिखाने को उसको झाड़ू पोछे के काम पे लगाई थी साहब। हाँ साहब, मेरे पास ही थी, अगर खूबसूरत लड़की भागेगी तो हम उठाएंगे ना, लेकिन देखा तो उसका हाथ कटा हुआ था, और हमारे धंधे में लंगड़े घुड़ी का क्या फायदा है।
इसलिए मैंने उसको छोटा मोटा काम पे लगा दिया। एक साल बराबर काम किया उसने, लेकिन अचानक से क्या हुआ पता नहीं, भाग गई। बाद में मैंने उसको पुलिस स्टेशन में देखा। तो पहले पूछा तब झूठ क्यों बोली? धंधे पाने का सोचना पड़ता है ना साहब, ये मर्डर केस में नहीं पढ़ने का था मुझे, वो कोर्ट कचहरी। अब की बार अगर झूठ बोला ना बहुत महंगा पड़ेगा। पूरा सच बोल रही है साहब, अब झूठ बोल के नहीं फंसने का मुझे। इस केस में रोज नई तय खुल रही थी, पराधी मंजरी पर गुनाह तो साबित हो सकता था पर बिना किसी मकसद के। और जैसे जैसे इस केस की तहकीकात आगे बढ़ रही थी, मंजरी अपराधी लगने की बजाय खुद एक पीड़ित और गुनाह का शिकार लग रही थी। पुलिस को मंजरी के अतीत के जख्मों की कहीं से कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। और फिर एक दिन अखबार में छपी मंजरी की तस्वीर ने अचानक इस केस को एक नया ही मोड़ दे दिया। सब आपने ही ये फोटो पेपर में छपवाई थी ना? हाँ, तुम जानते हो इसे? हाँ, मेरी बेटी है शायद। शायद मतलब अपनी बेटी को नहीं पहचानते? सर ये कुछ 10 साल पहले मुझसे मीरज में खो गई थी, तब की और अब की सूरत में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ये देखिए ना, उसकी आंखें देखिए अभी भी ऐसी भी है। ये कुछ टेस्ट की रिपोर्ट जो उसके बचपन में करवाई थी, इससे पहचानने में कुछ मदद मिले तो। मुरे कहाँ गई थी तू मेरी मंजरी? मंजरी मैं तेरा बाबा हूँ, बाबा देख देख मुझे मंजरी। तू तो कह रहा था कि तू उस लड़की का बाप है, लेकिन वो लड़की तो तुझे पहचानती भी नहीं है। साहब मैंने आपको बताया तो वो बहुत छोटी थी जब मीरज में खो गई थी, शायद भूल गई हो। भूल गई? साहब साहब ये थप्पड़ उसके भूलने के लिए नहीं, तेरे पहचानने के लिए पड़ रहा। अगर तू उसका बाप है तो उसकी बॉडी पे जो चलने और कटने के निशान है वो तेरी वजह से है। साहब जब उसकी माँ मर गई तो वो बहुत छोटी थी, मेरे पास से तो 10 साल की थी तभी खो गई थी। पता नहीं उसके बाद किसने उसकी ये हालत की, और उसी हालात की वजह से एक दिन घर से भाग गए साहब। इतनी लापरवाही की अपनी बच्ची के साथ कि घर से भाग गए? नहीं साहब, मंजरी मेरी एकलौती औलाद है, अगर मैं ऐसा करता तो इतने साल बाद उसे यहाँ छुड़ाने क्यों आता? मैं मेरे बच्चे से नफरत नहीं, बहुत प्यार करता हूँ साहब, बहुत प्यार करता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब। मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती, अगर ऐसा हुआ है तो उसने अपनी दिमागी हालत की वजह से किया होगा। मैं कोर्ट में ये साबित करके रहूंगा, अपनी बच्चे से खुद को अभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये सही करा, मंजरी को लेकर आऊ। मंजरी बेटा डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, चल अब घर चलते हैं, चल चल बेटा। मोरे अब तक हम इस लड़की की पहचान और परिवार को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब अब मिल गया है तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मंजरी के पिता ने उसकी पहचान साबित करके उसकी जमानत तो करवा ली, लेकिन उस पर केस अब भी चल रहा था, जिसे सॉल्व करने के लिए पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। और ये राजा साहब कौन था जिसका डर मंजरी की आत्मा पर बैठा हुआ था? उसका मंजरी से क्या संबंध था? क्या मंजरी को कोठे पर पहुंचाने में भी राजा साहब का हाथ था? मोरे उस चकले वाली आंटी से पूछो कि मंजरी वहां कैसे पहुंची, अगर ये कड़ी छुड़ गई तो पता चल जाएगा कि मंजरी का उसके बाप के साथ रिश्ता कैसा है। ओके सर। साहब मैं ईमानदारी से धंधा चलाती हूँ, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करती,
रोकड़ा दिया था मैंने और खरीदा था उसको। इसने बेचा था? नहीं, हमारे कस्टमर है शांताराम, उसने भेजा था। उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ है तुम्हारे पास? शांताराम? बोला साहब। अरे साहब, साहब साहब क्या हुआ? अरे साहब क्या हुआ? मैसेज बता था साहब, मैंने उसका दिमागी हालत देखकर उसका फायदा नहीं उठाया। मैं तो उसको खरीदा था, पूरा 50,000 रुपया दिया उसको। वो जानवरों की तरह मारता था उसको, हंटर से जलाता था उसको साहब। सर, कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट फोन लोकेशंस। वो 25 तारीख को आया था तेरे पास? हो साहब। इसका मतलब है कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से भी उसका मोबाइल लोकेशन रहमत खान की मौत की जगह का ही है। मरना तो तुझे पड़ेगा ही। ज्योतिष ने क्या कहा था मालूम है तुझको? उन्होंने कहा था मैं तुझको कितना भी दूर कर लूं, तेरी पनौती मेरे साथ तब तक रहेगी जब तक तू जिंदा है। मरना तो पड़ेगा ही तुझको। मरना उससे नहीं, तुझे पड़ेगा। चल। बस मैं ही हूँ राजा साहब। सब नौटंकी के कपड़े भाड़े पे देने का मेरा काम था। मंजरी जब छोटी थी तब मैं उसे बहुत मारता था और तब राजा की पोशाक पहना करता था। तब वो सोचती थी मैं ही राजा हूँ और वही इमेज उसके दिमाग में बैठ गई साहब। और चकले पे भी मैं उसका हालचाल देखने नहीं गया था, उसको मार नहीं गया था, लेकिन उसने मुझको देखा, वो वहाँ से भाग गई। मैं उसका पीछा कर रहा था, उससे थोड़ी ही दूर था तो मैं। इसका मतलब मंजीरे ने रहमत को नहीं मारा? नहीं साहब, मैं किसी को नहीं मारी। वो तो आंटी के उधर मैंने मेरे बाप को देखा और वहाँ से भाग गई। जब दरगाह के उधर पहुँची तो एक। तुमने उस औरत का चेहरा देखा था जिसने खून किया? हाँ साहब। उसे पहचान सकती हो? हाँ साहब, उस दिन उसके घर वाले आए थे, उनमें ही वो भी थी। ए लड़की, क्यों झूठ बोल रही है तू? साहब, मैं क्यों मारूंगी अपने शोर को? ये लड़की झूठ बोल रही है साहब। नहीं साहब, यही थी वो। क्यों झूठ बोल रही है रे? ए साहब, वो मेरे शोहर थे साहब, मैं उन्हें कैसे मारूंगी?
उल्टा यहाँ मेरी जान आफत में फंसी हुई है। आए दिन मुझ पर हमले होते रहते हैं। कौन करवाता है तुम पे हमले और क्यों? जायदाद की लालच में मेरी बहू और मेरा बेटा ही करवाते होंगे मेरे पे हमले। साहब अम्मी झूठ बोल रही है, खुद को बचाने के लिए सब किस्से गढ़ रही है। वो खुद गई थी अब्बा के साथ दरगाह के सफर पे, उन्होंने ही मारा होगा अब्बू को। हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और तुम्हें तो उसकी कुछ पड़ी नहीं। पाटिल मैडम। यस सर। लगता है ये चाहती है तो तुम्हारा हाथ दिखाई दो। ए! नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं मारना नहीं। मैं बताती हूँ मैंने अपने शौहर का कत्ल कर दिया, लेकिन कसम से साहब वो दोनों मुकर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे इसमें साथ दिया था, कहीं ये राज मैं किसी पे जाहिर ना कर दूं, इसलिए वो दोनों मेरा भी कत्ल करवाना चाहते हैं साहब। सर माना कि ये सब हमले हमने ही करवाए, पर अब्बू के कत्ल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये अब तुम दोनों नहीं, कोर्ट तय करेगा। मारना पड़ा साहब, क्या करती। मेरे शौहर को पता चल गया था कि हमारा बड़ा बेटा जो है वो उनकी औलाद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद हमारी बेटी नूर के नाम पर करने का सोच लिया। उस दिन जानबूझकर मैंने अपना मोबाइल घर पर रख दिया और इनके साथ दरगाह पर चली गई। जायदा? ये वहम है तुम्हारा, जुर्म अपनी कहानी खुद बयान करता है। रहमत को तो इंसाफ मिला ही, साथ ही उस बच्ची को भी इतने सालों बाद न्याय मिला जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम जैसे वैश्य लोगों की वजह से दुखों में काटी। अपनी आंखों से ना देख पाने का रहमत को ये पहला और आखिरी सुकून होगा कि वो इस दुख को जाने बगैर इस दुनिया से रुखसत हुआ कि उसे कब्र तक पहुंचाने वाले उसके अपने ही थे। जाहिदा को रहमत के कत्ल के लिए, उस्मान और आबिदा को रहमत के कत्ल की साजिश और जाहिदा पर जानलेवा हमलों के लिए, और राजेश को मंजरी पर अत्याचार के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपराध का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कानून की गिरफ्त तक लेकर जाता है और ये एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह करता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।